दोस्तों, आज सुंदर मौसम है पर मेरी तबीयत भी आज ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से ख़राब थी बहुत, अब ठीक हो गई है। और उसके लिए हमने काढ़ा का यूज़ किया, मेरे को लगा ऐसे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन और दवाई से भी नहीं हुई। दवाई भी ली थी लेकिन उससे भी नहीं हुई, लेकिन काढ़ा काम कर गया। काढ़ा में क्या क्या डाला जाता है मैं आपको बताऊँगा। और बुखार के लिए एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, बहुत सही है वो काढ़ा। और किस चीज़ से बनाया जाता है मैं बना के दिखाऊंगा। हर दोस्तों, ब्रह्मा नर्मदा जी की सभी पे कृपा बनी रहे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आज मौसम बहुत खुला खुला है और सूरज भगवान आए हैं सुबह सुबह, क्योंकि आज बारिश नहीं है। रात को हुई थी बारिश लेकिन अभी सुबह सुबह बारिश नहीं है, और वह तो अच्छा मौसम है। मैया में पानी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है 5-6 दिन से, इस वजह से। तो चलिए आपको दिखाते हैं, मैया का दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों, मैया में कितना पानी भर गया है। ये देखिए, सूरज भगवान का प्रतिबिंब मैया में दिख रहा है। तो ये मंदिर है, ये मंदिर दोस्तों मैया की तरफ है और अपने जगह से थोड़ा सा टेढ़ा है। ये क्यों टेढ़ा है, क्यों टेढ़ा थोड़ा सा बनाया गया है, क्यों सीधे में नहीं बनाया गया है, इसका उत्तर आज हम आपको देंगे। और बहुत सुंदर है, बात है ये क्यों टेढ़ा है इसकी भी। चलिए आपको दिखाता हूँ क्यों टेढ़ा है ये। दोस्तों ये देखिए, ये जो सूरज की किरण है ना, ये वाली दरवाजे से ठीक होते हुए नंदी पे पड़ती है। नंदी के बाद भंडारेश्वर शिवलिंग पे पड़ती है। देखिए, तो यहाँ से दिखा दो, ये देखिए दिख रहा है आपको, सूरज भगवान सीधा स्ट्रेट है, यहाँ पे शिवलिंग पे उसकी रोशनी पड़ रही है। देखिए, नंदी भगवान दिख नहीं रहे अब, ये इसकी खासियत है दोस्तों, एकदम सीधा सीधा कनेक्शन सूरज भगवान जी का और मैया का रूप, मैया का प्रतिबिंब नहीं, सूरज जी का प्रतिबिंब मैया में पड़ता है, मैया से फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आता है। ये भंडारेश्वर महादेव मंदिर की खासियत है, एकदम स्ट्रेट भंडारेश्वर महादेव जी पे पड़ता है और यहाँ पे भी पड़ता है। देखिए, इस मूर्ति पे पड़ता है पार्वती जी की, सूरज का प्रतिबिंब। स्ट्रक्चर देखिए, कितने अच्छे इंजीनियर रहे होंगे उस टाइम के। ये देखिए, सूरज भगवान डायरेक्ट, सूरज की रोशनी डायरेक्ट गर्भगृह तक जाती है। ये बात है दोस्तों, इस मंदिर के थोड़े से टेढ़े होने की, सूरज जी के साथ में डायरेक्ट करेक्ट, और उसका भी टाइम है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कभी भी जाएगी वो, करेक्ट 7 बजे से शुरू हो जाता है। 7 बजे से रोशनी पड़नी शुरू हो जाती है शिवलिंग पे। अगर आपको आना होगा तो 7 से 7:15 बजे के बीच में आना होगा देखने के लिए ये कि रोशनी कैसे पड़ती है। देखिए दोस्तों, ये गिलेरी बैठी है धूप सेकने, बहुत देर से बैठी होगी ये, ठंड लग गई इसको और बहुत देर से बैठी है ये। थोड़ा सा हमको सुन रही है लगता है, कान खड़े करके। ये देखिए,
छोटी सी गिलहरी आराम से बैठी है। चलो इसको तंग नहीं करते, दूसरी भी आ गई इधर। दोस्तों आज हम काढ़ा बनाने वाले हैं, तो काढ़ा बनाने के लिए नींबू का पत्ता, बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, बस इतने, और गुड़ वो लगेगा। चलिए नींबू का पत्ता लेने आया हूँ मैं। ये देखिए ये नींबू है, दिख रहा है नींबू, चलिए लेते हैं सारे पत्ते। ये है बेल का पत्ता, देखिए ये बेल का पत्ता है, हम बेल का पत्ता भी ले लेंगे। अब ये हमने तुलसी के पत्ते और नींबू के पत्ते और बेल के पत्ते ले लिए हैं, अब इसको धो लेना है। ये दोस्तों बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता और इसमें है नींबू का पत्ता, ये सारे ऐसे टुकड़े करके अब इसमें 4 गिलास पानी में डाल के रखूँगा, और वो जब तक 2 गिलास नहीं होता तब तक नहीं उतारूँगा उसको। और ये गुड़ है दोस्तों, ये सफ़ेद गुड़ है, थोड़ी सी चीटियाँ लगी है लेकिन उसको झाड़ देंगे। और सफ़ेद गुड़ गुजरात में मिलता है, पीला गुड़ नहीं मिलता, इसलिए अभी हम यही डालने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए अभी ये इतना पानी ले लिया है मैंने, कम से कम आधा पतीला है ये, और उसमें ये डाल दिया। अब इसको हम उबालेंगे, चलिए अब उबालने के लिए रखते हैं। और इसका जब तक आधा पानी नहीं हो जाता तब तक ये उबालते रहना है, और पानी का रंग बदल जाएगा, हरा हो जाएगा पूरा। उसके बाद लास्ट में गुड़ डालेंगे हम और थोड़ा सा काला नमक। देखिए दोस्तों इसका रंग काला हो गया है, और ये इसमें फाइनल टच के लिए डाला था अजवैन और एक थोड़ा सा अदरक डाला था, वो टेस्ट के लिए डाला था अजवैन और अदरक, वैसे उसके भी फायदे हैं। हमने डाला क्या क्या फिर से एक बार बता देते हैं। तुलसी का पत्ता, नींबू का पत्ता और बेल का पत्ता ये डाला था, उसके बाद अजवैन डाली, फिर गुड़ डाला, फिर अदरक डाली, उसके बाद उबाल लिया फुल उसको, फिर पानी जब आधा रह गया तब इसको निकाल लिया। तब अब गरम गरम हम पी लेते हैं। उसके फ़ायदे भी बता देता हूँ, ये थकान मिटा देता है। ये फार्मूला मुझे राजेश पांचाल जी ने बताया था, कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से ऐड की है जो फ़ायदे के लिए ही है, और बहुत अच्छा सेहत के लिए है, और कभी भी पी सकते हैं, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठंडी में ज़्यादा अच्छा है। चलिए नर्मदे मैया की थाली लेके जा रहा हूँ मैं भोग लगाने को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा शुरू हो चुकी है, तो भंडारेश्वर महादेव अन्न क्षेत्र में भी सेवा चालू है। रोज बहुत सारे परिक्रमावासी और साधु संत आना शुरू हो गए हैं। जो परिक्रमावासी परिक्रमा में चल रहे हैं वो ज़रूर पधारे यहाँ पे। इस अन्नदान में भाग लेने के लिए दानदाता आगे आए, ऐसा मैं राम राम इंडिया परिवार की तरफ से बोलना चाहूँगा। यहाँ पे सेवा करने के लिए आप ऑनलाइन भी सेवा कर सकते हो और वहाँ जाके भी सेवा कर सकते हो, धन से धान्य से दोनों तरीके से सेवा कर सकते हो और शरीर से भी सेवा कर सकते हो। दोस्तों मैया के किनारे बैठा हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है, गले में दर्द है और बुखार है थोड़ा सा, लेकिन इनके किनारे जब बैठता हूँ ना सब ऐसा भाग जाता है, ऐसे लगता है इनके किनारे से हट जाता हूँ तो शरीर और बीमार सा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, और आज इतनी देर में बैठ गया, देखिए अब शाम होने को आई है, लगभग 7 बज रहे हैं, अंधेरा होने को आया है, लेकिन मुझे यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अंधेरा होने के बाद अब जाना ही पड़ेगा मुझे ऊपर। और आप भी दर्शन कर लीजिए मैया का, देखिए अथांग सागर जैसा दिख रही है मैया, तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। और बहुत सुंदर जगह, ये देखिए ये घाट एकदम साफ सुथरा घाट है, यहाँ पे सो कूदो, बहुत सुंदर लगता है, इतना कचरा ही नहीं रहता यहाँ पे बिल्कुल, इस वजह से बहुत अच्छा लगता है। और मैया का पानी जब बढ़ता है तो बहुत बड़ी दिखती है मैया, और उससे अच्छा नज़ारा हमें कहीं नहीं मिलेगा।